मेरे साथ मध्य प्रदेश सरकार के वाणिज्य कर मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर जी हैं। आज हम उनसे खास बातचीत करेंगे शासन की रीति नीति को लेकर, मध्य प्रदेश सरकार को लेकर और कांग्रेस में चल रहे सत्ता परिवर्तन के इस दौर पर उनकी क्या राय है। ब्रजेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीएनएन में। वाणिज्य कर विभाग देखा जाए तो सरकार का खजाना भरने का विभाग है आपके पास, और उसमें से दो ऐसे विभाग पंजीयन और आबकारी जो सबसे ज्यादा राजस्व सरकार को देते हैं। कहा जाता है कि आपको खाली खजाना मिला, जब सत्ता परिवर्तन होता है तो सरकार जो नई आती है दूसरी पार्टी के घर हो तो कहती है खाली खजाना मिला था। सचमुच में वास्तविक स्थिति क्या है मध्य प्रदेश के खजाने की, वित्तीय स्थिति क्या है आपकी सरकार की? देखिए, वित्तीय स्थिति का जहां सवाल है आप मुझसे पूछ लें या मध्य प्रदेश के जो भी थोड़े बहुत भी जागरूक लोग हैं उनसे पूछ लें, हर किसी को पता है कि जिस दिन कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में अभी गठित हुई है उस दिन तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसके मुखिया शिवराज सिंह जी थे 2,00,000 करोड़ के कर्जे के लगभग पे छोड़ा गया है। ये हालत मध्य प्रदेश की आर्थिक ओवरड्राफ्ट की नौबत थी। हाँ, निश्चित रूप से 2,00,000 करोड़ का कर्जा बड़ा कर्जा है। जो बिजली के उपकरण थे वो नकली उपकरण या हल्के स्तर के उपकरण लगा दिए गए जिसकी वजह से आज बिजली की परेशानी का सामना हमें थोड़ा बहुत करना पड़ रहा है। ऐसे एक नहीं कई घटनाएं हैं जिसमें सरकार का जो आम जनता की टैक्स से जो पैसा आता है उसका दुरुपयोग होता रहा, उसका दुरुपयोग अपने फुट छपवाने में ज्यादा होता रहा। गरीब जनता की जो योजनाएं थी उसके ऊपर वो पैसा कम खर्च हुआ। नतीजा आपके सामने है कि 2,00,000 करोड़ के कर्जे पर हम लोगों ने सरकार बनाई। निश्चित रूप से चुनौती बहुत बड़ी है, 2,00,000 करोड़ के कर्जे को भी ठीक करना है और जो वचन सरकार ने दिए थे संगठन में रहते हुए, राहुल गांधी जी ने, हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय कमलनाथ जी ने और वरिष्ठ नेताओं ने, उनको भी निभाने का काम हमें करना है। और ये हम कह सकते हैं, फख्र के साथ कह सकते हैं कि टोटल सरकार को लगभग 150 दिन काम करने का मौका मिला है। आचार संहिता का समय आ गया और सारी बातें निकाल के 150 दिन कुल जो है सरकार को काम करने का मौका मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुबह 9 बजे से लेकर और रात को 11-11 बजे तक निरंतर वल्लभ भवन में मंत्रालय में बैठकर विभागवार समीक्षाएं की, उस नब्ज को समझने की कोशिश की कि जहां कमजोरी है। तो नब्ज पर हाथ रखा तो अब आपने क्या सोचा, रेवेन्यू और कहां से आएगा, राजस्व के और स्रोत कौन से हैं? उसी जगह में आपसे जा रहा हूं। तो वाणिज्य कर विभाग जैसे आपने कहा, निश्चित रूप से राजस्व को देने वाला एक महत्वपूर्ण अंग पूरे सरकार का एक अंग तो है, तो जवाबदारी भी बनती है कि हम इसको कैसे ठीक से पूरा करें। उसको निभाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की और हमारे पूरे कैबिनेट की स्पष्ट सोच है कि केवल टैक्स लगाना समस्या का हल नहीं है। कई बार जहां गड़बड़ियां हैं और जो पैसा राजस्व हमारे सरकारी खजाने में आना चाहिए वो सरकारी खजाने में ना आके और बिचौलियों के पास चला जाता है, उसके ऊपर अंकुश लगाना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो लीकेज अगर हम रोक पाते हैं या कम कर पाते हैं तो अपने आप में हमारा बहुत कुछ खजाना भर जाता है। उसके बाद फिर जो टैक्स मिलता है उससे खजाना हमारा भरता है। आपने कहा कि एक्साइज डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट इसका अंग है। एक्साइज डिपार्टमेंट में तत्कालीन जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की जिसके मुखिया शिवराज जी थे, आपको मालूम है, इन लोगों ने एक निर्णय किया कि हमारी सरकार है तब तक तो हम रिन्यूअल करेंगे तो 10% के ऊपर, लेकिन हमारी सरकार आए ना आए, अगली सरकार जो भी बनेगी उसको भी रिन्यूअल इस हिसाब से करना पड़ेगा। तो इस नीति में परिवर्तन आपने किया, ठीक जी। उस नीति को हमने परिवर्तित किया जी। हमने देखा कि यदि
उसको हम बढ़ाएं तो भी इस काम को किया जा सकता है और वो हम 20% पे लेके आए। और आज हम कह सकते हैं कि बहुत डर बिठाया गया था कि रिन्यूअल नहीं होगा, ये परेशानी होगी, वो परेशानी होगी, लेकिन वो पूरा रिन्यूअल हो गया 20% के ऊपर और सरकार के खजाने में एक मुश्त बहुत बड़ी राशि जमा हो गई जो गरीब आदमियों के हित पे खर्च होगी। आप कार्य की बात चल रही है तो बीच बीच में ये विषय भी उठता है कि शराबबंदी की जाए प्रदेश में। देश में दो ही राज्य हैं जहाँ शराबबंदी है, बिहार और गुजरात। आपने भी बीच में कुछ ऐसी बात कही थी कि लोग शराब न पिएं। क्या सचमुच कोई विचार बीज है सरकार का? क्योंकि सबसे बड़ा रेवेन्यू अगर आपको मिलता है तो आप गाड़ी से मिलता है। देखिए मैं आपको स्पष्ट करूंगा, एक्साइज डिपार्टमेंट मेरे पास है और हकीकत यह है कि मैंने उस विभाग का या मदरापान आज तक नहीं किया, मुझे स्वाद ही नहीं पता जी। लेकिन सरकार को तो रेवेन्यू वही विभाग सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है। मैं आपसे ही प्रश्न करता हूं कि गुजरात में शराबबंदी हुई, क्या वहां पे शराब पीना लोगों ने बंद किया? व्यवहारिक रूप से तो अमल में नहीं आ पाती नीतियां। जो वैधानिक रूप से इज्जत के साथ लोग पी रहे थे, आज अवैधानिक रूप से उस शराब को खरीद के डरते डरते हुए और वो पी तो रहे हैं और बहुत बड़ी खपत जो है लोग बताते हैं कि गुजरात में होती है। कानून बनाने से कोई समस्या हल हो जाए उससे ज्यादा अच्छा है कि हमें आपको सबको सामाजिक रूप से इस बात को तय करना पड़ेगा। और महापुरुषों ने कहा है कि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। जय गुरुदेव का कई जगह हम लिखते हैं, पढ़ते हैं कि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। तो ये हम सरकार की तरफ जाएं उससे अच्छा ये है कि हम खुद सोचें, क्योंकि ये तो तय है कि हानिकारक है। हानिकारक है तो हमें क्यों ऐसा कोई काम करना है? तो इसके लिए आपका विभाग या सरकार कोई जन जागरण अभियान, जागरूकता अभियान? कई अभियान चलते हैं, कई अभियान चलते हैं, चल रहे हैं, निरंतर चलते थे। लेकिन समस्या सरकार के केवल कानून बनाने से हल होने वाली नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कहा जो व्यवस्थाएं चल रही हैं आज भी वो चल रही हैं। मैं आपसे कहूं कि बिल्कुल कल शराबबंदी हो जाएगी, ऐसा भी इस तरीके का कोई विचार नहीं है। और जो लोग इस बात को आज प्रोत्साहित करने की बात करते हैं कि हम इस बात का मुद्दा उछालें, मैं उनसे पूछता हूं कि 15 वर्ष आप सरकार में थे, पूरा बहुमत आपके साथ था, तो इतना अच्छा निर्णय आपको कर देना चाहिए था जी। वो क्यों आपने छोड़ा? आपको 10% क्यों 20% पे आपको भी रिन्यूअल करना चाहिए था जो आज हमने किया। एक्साइज डिपार्टमेंट में जहां 20% बढ़ाने का अगर हमने काम किया, तो हमने ये भी कोशिश की कि आज कोई होटल वाला है अगर उसको वार लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है तो 5-5 महीने वो चक्कर काटता है। तब आपने ऑनलाइन कर दिया। ग्वालियर के जिला हेडक्वार्टर के मंत्रालय के मंत्रियों के बंगले के हमने उस सिस्टम को बंद कर दिया। हमने कहा ऑनलाइन आप आवेदन करिए, 7 दिन के अंदर हमारा विभाग आपको लाइसेंस का रिन्यूअल करेगा, और 7 दिन के अंदर अगर रिन्यूअल नहीं हुआ तो 8वें दिन हम अपने आप स्वतः आपका रिन्यूअल माना जाएगा। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की हम बात करें, मैं उसी पर आ रहा था। मैं पहले में अपना प्रश्न, पंजीयन विभाग में आपने 20% की पंजीयन शुल्क में कटौती की है जी। तो यह भी बोझ तो राजस्व पर ही आएगा, लेकिन हाँ उपभोक्ता के लाभ के लिए है, इसको कैसे मेट आउट? मैं आपसे स्पष्ट कर रहा हूँ, 20% कटौती हुई और ये एक ऐतिहासिक निर्णय। इसको हम इससे पहले इतना पंजीयन शुल्क में कभी कमी 15 वर्ष से सारे लोग कह रहे थे, मध्यम वर्गीय परिवारों के लोग, छोटे तबके के लोग, रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग, हर कोई डिमांड करता था कि ये कम कर दी, लेकिन 15 वर्षों में ये नहीं हुआ। 2,00,000 करोड़ का कर्जा हमारे ऊपर छोड़ा गया, उसके बावजूद भी जनहित में हमने ये निर्णय लिया। और साइंस का सिद्धांत है कि यदि बॉल को आप नीचे मारोगे तो वो उतनी तेजी से ऊपर की तरफ जाएगी। यदि हमने 20% कलेक्टर गाइडलाइन को हटाया है तो उससे हमारी वॉल्यूम रजिस्ट्री का बढ़ेगा, क्योंकि अभी रजिस्ट्रियां होती ही नहीं थी ना। रियल एस्टेट का जो बिजनेस, उसमें आपको उम्मीद है इतनी बढ़ोतरी हो जाएगी, ये जो 20% आपने गाइडलाइन में कमी की है वो उससे संतुलन हो जाएगा। केवल यही नहीं किया, और भी कई जगह उसमें बातें जोड़ी है। जैसे हमने 20% कम किया, थोड़ा सा फीस का स्ट्रक्चर हमने बढ़ाया,
इधर हमारी वॉल्यूम बढ़ेगी रजिस्ट्री की, तो उससे भी हमें पैसा आएगा। घर के जो बंटवारे होते थे, जीरो रजिस्टर्ड बंटवारा हमारा नहीं होता था, और कोर्ट की बात आती थी, प्रशासन की बात आती थी, तो लोग परेशान होते थे, भाइयों भाइयों में विवाद होते थे, लेकिन रजिस्टर्ड डीड नहीं बनती थी। कारण यह था कि 2.5% फीस उस पर लगती थी, तो 2.5% बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता था। हमने उसको घटा के 1100 रुपए कर दिया, 1000 रुपए के स्टाम्प पे लिखवाइए, 100 रुपए फीस दी। स्वाभाविक रूप से जो जीरो था, अब रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो। यदि अपनी पुत्री के नाम से, अपनी पत्नी के नाम से आप मालिकाना हक देना चाहते थे, कोई नहीं लिखता था, क्योंकि पैसे बहुत लगते थे, 2.5% बड़ी फीस होती थी, उसको हमने 500 रुपए कर दिया। बहुत बड़ी राहत है, अब कहना आसान है, लेकिन आप गौर से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, बहुत बड़ी राहत है अब जनता के लिए। सीधा सीधा गरीब आदमी इससे जुड़ा हुआ, और जिसमें पहले अमल ही नहीं होता था, लोग प्रेरित होते थे, एक पैसा भी सरकार के खजाने में नहीं आता था। अब जब हमने इतना कम कर दिया, तो हर कोई चाहेगा कि ठीक है, हम कानूनी लिखापढ़ी में ही जाए, वो धीरे धीरे वो पैसा हमें वहां से आएगा। शुरुआत में हो सकता थोड़ा सा हम पीछे हो, लेकिन आने वाला कल निश्चित रूप से जो हमारी रेवेन्यू है उसको हम बढ़ा ले जाएंगे। और ये तमिलनाडु हमारे सामने उदाहरण भी है, तमिलनाडु में भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि हमारा जो कलेक्टर गाइडलाइन है देश में सबसे ज्यादा था, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसको हम कर लेंगे। एक और मैं आपसे इसमें जोड़ना चाहता हूँ, आपका मान लीजिए मकान है, आपको आपके दादा ने छोड़ा या आपके पिताजी ने छोड़ा, सरकार ये कहती थी कि कितना भी पुराना मकान हो आपको नए मकान के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, आप देते थे या कई लोग छुपाते। हमने इन बातों को समझते हुए ये निर्णय अब किया है कि यदि आपका मकान 20 साल पुराना है तो 10% हम टैक्स में आपको छूट देंगे, यदि आपका मकान 20 साल से ज्यादा पुराना है तो हम 5% के हिसाब से धीरे धीरे उसको और घटाते जाएंगे, समय सीमा के हिसाब से। ये न्याय संगत मुझे लगा, और ये बदलाव जनहित में हम लोगों ने किया है। तो राजस्व को भी हम बढ़ा लेंगे, और राजस्व को बढ़ाने से ज्यादा लोगों को हम राहत दें, जिसके लिए ये सरकार बनी है, मध्य प्रदेश की सरकार आम जनता के आशीर्वाद से बनकर आई है। कमलनाथ जी का स्पष्ट सोच है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि हमें राजस्व के साथ साथ जनता के हित के निर्णय के ऊपर भी ध्यान देना है, और पूरी कैबिनेट ने सर्वसम्मति से इस निर्णय को पास किया। आप बुंदेलखंड से आते हैं, पांच बार आप वहां से विधायक हैं, ओरछा आपके क्षेत्र में एक इतना बड़ा विश्व के पटल पर उभरा हुआ राम राजा सरकार जो मंदिर है, वहां तक पहुंचने मार्ग में जो पुल ऐसे हैं जो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, और अब 4 महीने जो चातुर्मास अगर जैसे हम कहते हैं बारिश के दिनों में, वहां तक लोग पहुंच नहीं पाते, इतने वर्षों बाद भी बुंदेलखंड पूरा ही बहुत सारा उपेक्षित रहा है, लेकिन अगर रामराजा के मंदिर की ओरछा की बात करें तो क्या आपकी सरकार उसकी चिंता कर रही है कि वहां तक लोग पहुंच पाए? हमारी सरकार आज चिंता नहीं कर रही है, हमारी सरकार तो आज से 15 वर्ष पूर्व इस बात की चिंता कर चुकी है, और आपने बड़ा ज्वलंत मुद्दा जो है छुआ है। ओरछा न केवल मध्य प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए गर्व करने वाली जगह है, जहां राजा राम खुद राजा के रूप में आज भी उनकी मान्यता लोग रखते हैं, पूरे दुनिया से पर्यटक वहां पे आते हैं और धर्म प्रेमी वहां पर आते हैं, और पुख नक्षत्र का जो मेला होता है हर माह में 2 दिन, चारों तरफ से 200-300 किलोमीटर दूर से और 2-3 दिन पहले से माताएं बहनें बुजुर्ग नौजवान पैदल चल के और लेट लेट कर वहां पर दर्शन के लिए लोग आते हैं। दुर्भाग्य कहेंगे हम, 15 साल पहले आपने क्या किया था? 15 साल पहले उन दोनों पुलों को माननीय दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में हमने मंजूर कराया था, पूरा 15 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन गुजर गया, और इन 15 सालों में हमारे ही टीकमगढ़ की मुख्यमंत्री उमा भारती जी भी रही, वीरेंद्र खटीक जी केंद्र में मंत्री भी रहे,
उसी रास्ते से हमेशा गुजरते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी ये पुल आज की तारीख तक नहीं बन पाया। आपने क्या क्या प्रयास किए? अब हम लोगों ने इसके ऊपर चिंता जाहिर की है और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, हमारे लोक निर्माण मंत्री जी के सहयोग से इस पंचवर्षीय योजना में उन दोनों पुलों के कार्य भी हम प्रारंभ करेंगे और उसको पूरा करने का काम भी हम करेंगे। अब जरा कांग्रेस पार्टी की दशा और दिशा की बात हो जाए। राहुल जी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ चुके हैं, आज लगातार भोपाल में हमने कुछ पोस्टर और होर्डिंग्स देखे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग उठ रही है, दूसरे नाम भी चल रहे हैं। आपको क्या लगता है पार्टी कैसे बाहर निकलेगी इस सुरंग में से? नहीं, कोई सुरंग नहीं है। एक महीने से ऊपर हो गया उनके इस्तीफे, कोई सुरंग नहीं है। राहुल जी को सब लोग, हम लोग चाहते थे कि वो हमारे नेता हैं और वो उस पद को जिस तरीके से संघर्ष करके आगे बढ़ा रहे थे वो आगे बढ़े। कौन सा पोस्टर लगा है मैंने नहीं देखा। आपने सिंधिया जी के नाम पर हो सकता है, सिंधिया जी के नाम पे हो, वो मैंने खुद नहीं देखा। जो भी जिसके साथ जुड़े हैं स्वाभाविक रूप से वो आशा करते हैं कि हम अपने नेता का नाम उछालें और वो बनना चाहिए। मैं किसी का विरोधी नहीं, लेकिन ये जो मामला है वो राष्ट्रीय स्तर का मामला है। इसमें देश के हमारे कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेतागण हैं, वर्किंग कमेटी है और भी जो मेम्बरान हैं, वो इस बात को तय करेंगे बैठकर कि अगला अध्यक्ष राहुल जी को रहना है या नहीं रहना है, तो किसको बनाना है। मैं अपने आप को छोटा सा कार्यकर्ता मानता हूँ, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे आपके सामने एक टीका टिप्पणी करूँ कि कौन अध्यक्ष होना चाहिए। प्रदेश की ही बात कर लेते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं, वो भी पद एक तरह से खाली है, वो कब तक भर जाएगा, क्या उनको लगता है? अब जब राष्ट्रीय पद भर जाएगा तो स्वाभाविक है जल्दी से जल्दी प्रदेश का पद भी भर जाएगा। सरकार की दशा और दिशा पर भी बात कर लेते हैं। लगातार बीजेपी ये कहती रहती है कि अल्पमत में आपकी सरकार है, फ्लोर टेस्ट जब होगा तो सरकार गिर जाएगी। कोई नेता बीजेपी कहता है कि बॉस कह देंगे तो 15 मिनट में सरकार गिर जाएगी। ये सरकार का अस्थायित्व तो कब तक चलेगा? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस में बड़ा भारी फर्क है। उनका अपनी शैली है, उनका अपना अंदाज है। वो हर बात को बड़ी तेजी से, बड़े जोर से, बड़े दिखावे के हिसाब से बात करते हैं। हम लोग अपने आहिस्ते आहिस्ते और अपने तरीके से बात करते हैं और उसमें मैं उनको दोष नहीं देता। संगीत के कार्यक्रम में हम जाते हैं और गजल को अगर हम कितना भी जोर से गाने की कोशिश करें तो ना गजल सुनने वाले को मजा आएगा और ना गजल गाने वाले को। दूसरा पक्ष अगर हम देखें कव्वाली वालों का, तो कव्वाली गाने वाला बड़े जोर जोर से कव्वाली के अपने सुनाता है तो सुनने वाला भी उतने जोर से सुनना चाहता है। और तो हम लोग अपना कव्वाली वाली उस पर नहीं जाना चाहते। हमारी अपनी जो शैली है, हम अपने शैली के मुताबिक आगे चल रहे हैं। जो लोग ये मंसूबा पालते हैं कि सरकार को हम गिरा लेंगे, सपना देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जो पूरे नहीं होते हैं, उन्हें मुंगेर लाल का सपना कहा जाता है। और ऐसे अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र लोग जो है मुंगेर लाल के सपने देख रहे हैं तो मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता। सरकार पूरे बहुमत में है, सरकार 5 साल चलेगी, न केवल चलेगी, जनहित के महत्वपूर्ण निर्णय जैसे 85 वचन हमने पूरे किए हैं, ऐसे हर निर्णय को सरकार पूरा करेगी और मध्य प्रदेश के विकास में नया एक आयाम जोड़ेगी और मध्य प्रदेश के नौजवानों के लिए, खासतौर से मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि हम उद्योग को पूरा सपोर्ट करेंगे लेकिन 70% नौजवानों को रोजगार मध्य प्रदेश के देना पड़ेगा। इस विभाजन सिंह जी, एक आखिरी सवाल, आपके सहयोगी विधायक हैं शेरा, उन्होंने आज कहा है कि 10-12 बीजेपी के विधायक उनके संपर्क में और फ्लोर टेस्ट की उन्होंने चुनौती दी है। क्या आपकी पार्टी, आपकी सरकार ऐसी भी कोशिश में है कि जो विपक्ष में बैठे लोग हैं वो इधर आ जाएं? यद्यपि दल बदल कानून बड़ा सख्त है। नहीं देखिए, मैं जैसा दो लोग दम भरते हैं कि 5 दिन में सरकार गिरा दूंगा, बॉस ने कह दिया तो 15 मिनट में गिरा दूंगा, ये कर दूंगा, उस तरीके की मैंने पहले ही कहा कि वो शैली हम लोगों की नहीं।
क्या होगा कैसे होगा वो एक अलग विषय है, लेकिन वो शैली मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि भविष्य किसी ने नहीं देखा, भविष्य जानने वाला वो है और भविष्य के अच्छा करने के लिए काम करने वाले हम लोग हैं। तो जब विधायक हमारे साथ हैं तो फिर इन प्रश्नों का कोई मतलब बैठता नहीं है। मैंने इसलिए कहा कि जो लोग मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं उन्हें देखने दीजिए, अगर कोई इसी में खुश है तो होने दीजिए, क्या दिक्कत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आपको भी पता है और मुझे भी पता है इतनी ज्यादा वर्चस्व की लड़ाई इस वक्त है कि पहली सीट पे कौन बैठेगा, दूसरी सीट पे कौन बैठेगा, तीसरी सीट पे कौन बैठेगा, तो कांग्रेस को जरूरत ही नहीं पड़ रही, वो आपस में ही एक दूसरे को निपटाने के लिए कि अगर यहाँ इसका नाम चला तो यहाँ से जड़ काटना है, उसका नाम चला तो दूसरे को जड़ काटना है, वो खुद ही झगड़े में इतने व्यस्त है। और हम चाहते हैं कि उन्हें व्यस्त हैं तो उनको व्यस्त बना लेना चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश सरकार के वाणिज्य कर मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर जी, बीएनएन से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं कृष्ण मोहन झा। फाये से तो कभी पूरी नहीं होती। हमारे इस व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अब परमात्मा की जो इच्छा है, हम लोग मानते हैं कि जो होता है उसकी इच्छा से होता है। हमारा प्रयास रहता है कि व्यक्ति विशेष में हम एक नई शख्सियत से आपको मुलाकात कराएं। IAS जिसमें मुझे मौका मिला काम करने का, एक ऐसा जरिया है जिससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। देश की बड़ी शख्सियत नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव जी। अब मैं अकेला नहीं रोक सकता, इसके लिए तो पूरे देश को सोचना होगा, विचार करना होगा, राजनीतिक दलों को विचार करना होगा। देखेंगे हम कि उनका सियासी सफर क्या रहा। डिजियाना नेटवर्क आपका डिजिटल और ब्रॉडकास्ट के नए दौर में स्वागत करता है। डिजियाना प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड डिजियाना ग्रुप का केबल सर्विसेज में एक उभरता हुआ नाम है, जिसने 2015 में केबल इंडस्ट्री में शुरुआत करके टेलीविजन व्यूवर्स का टीवी देखने का नजरिया ही बदल दिया। डिजियाना नेटवर्क आज पूरे मध्य प्रदेश में अपने हाई सिग्नल्स के साथ लगभग 180 से भी ज्यादा सेंटर्स पर संचालित हो रहा है। साथ ही पूरे प्रदेश में 10,000 किलोमीटर से ज्यादा फाइबर ऑप्टिक्स का जाल फैला हुआ है, जिससे प्रदेश के सभी शहरों के साथ साथ छोटे छोटे गांवों में भी हाई क्वालिटी सिग्नल्स पहुंच रहे हैं। सबसे बेहतरीन डिजिटल क्वालिटी पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका है कंडीशनल एक्सेस सिस्टम और सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम की। लगातार बेहतर क्वालिटी बनाए रखने के लिए MPEG 4 वीडियो चैन हमारा साथ देती है, जिसे सुरक्षित वातावरण में इस्तेमाल किया जाता है। डिजियाना नेटवर्क अपने डिश प्लेटफॉर्म पर फ्री और पे चैनल्स के सिग्नल प्राप्त करता है और उसे प्रोसेसिंग के लिए हाई क्वालिटी सेंट्रल हेडेंट को भेज दिया जाता है।
सेंट्रल हेड एंड से टीवी सिग्नल्स को मॉनिटर और इनकोड किया जाता है। डिजियाना नेटवर्क अपने 8,00,000 से भी ज्यादा व्यूवर्स को हाई डेफिनेशन सेटअप बॉक्स प्रोवाइड करता है, जिससे वो हाई क्वालिटी ऑडियो और वीडियो का मजा उठाते हैं। डिजियाना नेटवर्क अपने दर्शकों को एंटरटेनमेंट के लिए 350 से भी ज्यादा चैनल्स की सुविधा